चर्चा रंगली ती महागाईवर, तसंच लोकसभेचं कामकाज दोनदा तहकूबही करावं लागलं. गेल्या काही दिवसांमध्ये एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप इतके रंगले आहेत की आज लोकसभा अध्यक्षांना ते थांबवण्याबाबत आणि सभागृहामध्ये शिस्तीचं पालन करण्याबाबत निवेदन द्यावं लागलं. दरम्यान आज केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केलाय. लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2014-15 या वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. हा अहवाल सादर करताना विरोधकांनी घोषणा दिल्या. मॅडम स्पीकर, आय बेग टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी ईच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स, हिंदी अँड इंग्लिश वर्जन. इकॉनॉमिक सर्वे 2013-14, इकॉनॉमिक सर्वे 2013-14, स्टॅटिस्टिकल अपेंडिक्स. गेल्या काही दिवसात लोकसभेत गोंधळ आणि गदारोळाच्या घटना जास्त प्रमाणात घडत आहेत. त्या घडू नयेत म्हणून लोकसभा अध्यक्षांनी एक निवेदन वाचून दाखवलं. माननीय सदस्यगण, कल से सभा की कार्रवाई के दौरान लोकसभा में कुछ सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. विरोधकांच्या गोंधळामुळे दिवसभरात दोन वेळा सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं. दरम्यान त्यानंतर महागाई या विषयावर चर्चा रंगली. महागाई आम्हाला यूपीए सरकारकडूनच मिळाली असा आरोप भाजपच्या अनुराग ठाकूर यांनी केला. आखिर हमें विरासत में मिला क्या है? और आंकड़े देते हुए मैंने आपके सामने और सदन के सामने रखा था कि सरकारी खजाना हमें खाली करके देके चले गए. मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो था वो नेगेटिव कर दिया था और फिस्कल डेफिसिट जो है वो -4.5% से ज्यादा चले गया. करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से ज्यादा बढ़ गया. देश में बेरोजगारी बढ़ गई और भ्रष्टाचार की तो मैं पिछली सरकार की क्या बात करूं. नए रिकॉर्ड देश में किसी ने स्थापित किए तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले भ्रष्टाचार के किए. एवढंच नाही तर लोकसभेत केंद्र सरकारच्या अच्छे दिन आने वाले है या घोषवाक्याची खिल्ली उडवण्यात आली. दरम्यान अनुराग ठाकूर यांना राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सडेतोड उत्तर दिलं. भाई अनुराग जी ने भी आज किया कि ये महंगाई विरासत में आपको मिली है. शायद इसमें हमारी भी कोई गलतियां हुई होगी जरूर, लेकिन हमारी विरासत सिर्फ महंगाई नहीं है. हमारी विरासत में 14 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने INS विक्रमादित्य इंडिया लार्जेस्ट वॉरशिप का उद्घाटन उन्होंने किया, ये पहली बात. हमारी विरासत में 4 जुलाई में उधमपुर कटरा जो ट्रेन है 25 किलोमीटर की, उसका कमीशन हुआ. हमारी विरासत में कश्मीर में सेकंड फेज टू, सुन तो लीजिए, मैं कभी किसी को नहीं रोकती. प्लीज डोंट डिस्टर्ब. सुन तो लीजिए. प्लीज डोंट डिस्टर्ब. हमारी विरासत में कश्मीर में सेकंड फेज 240 यूरी हाइडल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया. 30 जून को 5 फॉरेन सैटेलाइट PSV C-23 फ्रॉम स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा. और मुझे सबसे आनंद है कि इसका उद्घाटन जरूर आपने किया होगा, लेकिन उसका थोड़ा श्रेय माननीय मनमोहन सिंह जी उनके टीम को देना मेरे ख्याल से उचित होगा. एकंदरीतच लोकसभेवर अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी साधक वादक चर्चा झाली. आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय त्या अर्थसंकल्पाकडे. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्ती असलेले अमित शहा यांची भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.